हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। तो कैसे हैं आप लोग? इन दिनों से सोच रहे थे बाइक की सर्विस करा लें। ऑयल भी ला के रख लिया था हरियाणा के पास, लेकिन उनको टाइम नहीं था। आज भी पता है मैं एक्चुअली सो गया था, उनने फोन किया सर्विस नहीं करानी तो आज किसी और में डाल दे। मैं यार ऐसा मत करो। तो फिर बताओ, मैंने यार बताओ आपके पास टाइम है या नहीं है? तो बोले चलो फटाफट से आ जाओ। मैं कहा चलो आ रहे हैं। 4-5 दिन से ऑल रखा उन्हीं की दुकान पे। तो लॉकडाउन खुला तो भाई काम का प्रेशर एकदम आ गया। तो बोले 2 दिन में रुक जाओ, बाहर का काम ऐसे निकाल दें फिर करते हैं फुर्सत में। मैंने कहा चलो कोई दिक्कत ना, इतनी चल गई 2 दिन में और सही। भाई सर्विस के चक्कर में ना इतने जर्क दे रही है पेट्रोल होने के बावजूद भी। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि इसके एयर फिल्टर हो रहा है चौक आई थिंक, क्योंकि ये स्लो RPM पे बंद हो जा रही है बार बार। मैं तो सुबह इसको स्टार्ट करते थे कोई ना कितना भी, मतलब स्टार्ट करो तो बंद नहीं होती है एक बार स्टार्ट करने के बाद। लेकिन अभी तो भाई परेशान करके रख देती है। एयर फिल्टर हो रहा है बिल्कुल चौक, एयर निकल नहीं पा रही तो बार बार मिस मार रही है। आज थोड़ा गर्मी का समय तो काम भी इजीली हो जाएगा, ज़्यादा पसीना नहीं निकलेगा अपना भी। तो गर्मी के मारे बुरी हालत थी एक्चुअली, पानी भी बरस गया एक दिन में। मानसून आ गए चक्कर में, मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है। धूप तो है लेकिन मौसम थोड़ा सा ठंडा है अभी। यार भाई इससे ऑयल का बड़ा पंगा पड़ता है, ऑयल नहीं मिलता कहीं यार। इसको कसम से कहीं ले जाने का मन भी नहीं कर रहा था, चलाना ठीक नहीं है बिना सर्विस के। 4-5 दिन से तो खड़ी है यार। चलो इसकी सर्विस कराते हैं पहले। मैंने एक परफॉर्मेंस पैक नहीं, वो लिक्की मोली का वो फ्लश फिल्टर एडिटिव फिल्टर आता है वो मैंने मंगाया है, उसको डलवाते हैं फिर देखते हैं बाइक में कितना क्या फर्क आया है। ये मेरे को पड़ा था कुछ 750 का। लोग बोलते हैं इंजन फ्लश फिल्टर काम करता है, कुछ बोलते हैं नहीं करता है। अभी एक भैया मिले बोले कि इससे अच्छा तो उनने कोई और बताया था वो डाल देते। मैंने कहा यार छोड़ो, आ गया किसी को डालते हैं, अब देखते हैं आगे क्या होगा, पता चल जाएगा। भाई बाइक तो ऐसी जल रही है बिल्कुल कबाड़ा क्वालिटी, कबाड़ा कबाड़ा क्या। इसकी जो लास्ट सर्विस हुई थी तभी से बाइक मतलब बिल्कुल रफ चलने लगी है, मतलब चलाने में फील ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। अब देखो ऑयल इसका प्रॉपर मिल गया है, अब प्रॉपर क्या BS6 वाला ऑयल है। अब देखो भाई मैंने बात की थी तो बोल रहे थे जो BS3 वाला या BS4 वाला ऑयल था वो थोड़ा मतलब गाढ़ा था, ये थोड़ा लाइट है। अब इसमें वो एडिटिव डालते हैं, देखो फर्क आएगा कितना क्या फर्क आता है वो तो अब सर्विस के बाद ही पता चलेगा। एक्चुअली वैसे तो वेडनेसडे को सारा मार्केट बंद रहता है, लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में वेडनेसडे को शॉप खुल रही है सारी, सैटरडे संडे को क्लोज रहता है। चलो सही है, किसी की रोजी रोटी तो ना कम से कम बर्बाद हो गई। अब मोदी जी कर रहे हैं वो तो अच्छी कर रहे हैं। आ गई शॉप जिहान बाइक सर्विस सेंटर, ये लगे डले हैं पता नहीं किसमें। भाई भीड़ तो तगड़ी है इनके पास आज भी। जैसी इच्छा आपकी। रोड पे करे आए काय काय महाराज, रोड पे करे आए इतनी बहुत है। इसकी सर्विस कराते हैं। तीनों चीजें मिक्स करके डाल दो। दोस्तों इसमें इंजन फ्लश फिल्टर फाइनली डल गया है, अब इसको 10 मिनट तक स्टार्ट छोड़ते हैं फिर आगे ऑयल को ऑयल निकालते हैं। 10 मिनट पूरे हो गए बाइक को फ्लश फिल्टर डाल के, अब इसका ऑयल प्रोसेसिंग स्टार्ट करते हैं निकालने की। ऑयल भाई गरम है यार, चिकनाहट तो है यार गुरु, इसमें चिकनाहट तो है, कम रहेगी लेकिन। Still hanging in the balance, not the life I want to live.
तो फाइनली तो इंजन ऑयल डल गया है, अब उसको जल्दी से फिट कराते हैं। गाइस अपनी बाइक की सर्विस हो गई है और ये वीडियो मैं एक्चुअली नेक्स्ट पे शूट कर रहा हूँ, उसको मतलब सर्विस कराई थी मैंने, उसको नेक्स्ट पे शूट कर रहा हूँ। वाह क्या यार, अच्छे मूड में आए थे बाइक की सर्विस कराने। मैंने आपको बताया था ना बाइक जर्क ले रही है, मतलब चल नहीं रही है, पिकअप नहीं कर रही, तो मुझे पहले ऐसे लग रहा था कि इसका एयर फिल्टर वगैरह चौक है, इतनी प्रॉब्लम ज़्यादा दे रही है बाइक। लेकिन जब सर्विस वगैरह करी कहा कि यार अभी जब दे रही है, फिर बोले सर पेट्रोल कम है, पेट्रोल तो इसमें थी लेकिन बोले कि और डला के देख लो थोड़ा सा। चलो यार टंकी करवा ली इसकी आधी, यार फिर उन्होंने चेक किया भैया ने, पहली बाइक जब दे रही थी बहुत बुरे वाले, फिर यार इसका टंकी वंकी खोली देखा, बोले यार इसकी तो फ्यूल पम्प गड़बड़ कर रही है। अब गलती तो हमारी है, फ्यूल पम्प की तो बेचारे की है नहीं, बस बजाय चलाओगे वैसे चलेगी, जर्क ले रही है बिल्कुल, मतलब स्लो स्लो चला रहे हैं तब तक तो चल रही है, अगर इसको जरा सा भी पुल कर रहे हैं तो बिल्कुल मिस कर रही है बहुत ज़्यादा। मैंने हरियाणा ने बात भी करी थी दो तीन जगह, बोले नहीं इसका कुछ नहीं हो सकता, पंप ही चेंज हो गई पूरा। बोला चलो चेंज कर दो भाई, अब देखो एक दो दिन में दिल्ली जाते हैं, वहीं जाके इसका काम कराएंगे, एक दो दिन चला रहे हैं इसको जैसे चल रही है वैसे ही प्यार से। एक्चुअली क्या है ना इसमें कोई भी, इसमें क्या कोई भी पेट्रोल कम रहेगी तो भाई प्रॉब्लम पंप देना ही देना है, मतलब पेट्रोल थी लेकिन पंप नहीं डूबती थी कभी कभार, तो पंप सूखी चल चल के इसका मतलब हीट हो के फ्यूल कम देना स्टार्ट कर दिया उसने, मतलब फ्यूल फेंक रही है लेकिन उस प्रॉपर वे में नहीं फेंक रही जैसे उसको फेंकना चाहिए, गलती हमारी थी यार, गलती इंसान से होती है। लेकिन वो होता है ना, गलती होनी भी ज़रूरी होती है आगे के लिए, अभी मान लो इसमें हो गई चलो आगे के लिए अब नहीं होगा ऐसा, मतलब स्लो चला आ रहा है ना इसको तब तक तो ठीक चल रही है, लेकिन जैसे ही पुल करते हैं तो उन्हें स्टेशन करना स्टार्ट कर जाती है। ज़्यादा नहीं चलाएंगे इसको, बस दो तीन दिन देखो दिल्ली जाते हैं वहीं इसका हम चेंज कराएंगे। वो तो भाई इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना, राइट के साइड हार्ट।